संगीत की कोई भाषा नहीं होती है, बस उसे महसूस किया जाता है और उसे अगर महसूस करने वाले लोग मिल जाए तो बात बन जाती है। हेलो गाइस, दिस इज आरजे आनंद और मैं बैठा हूँ स्टूडियो में और मेरे साथ जुड़ी है द स्टार वाइज सीजन 2 की 16-30 कैटेगरी की रनर अप श्रेयसी डे। Yes. आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो महारानी। थैंक यू। ये इतना सुरीला गाते हैं और सबसे अच्छी बात इनके साथ मेरा मैच किया है कि इनकी जो फेवरेट सिंगर है वो मेरी भी फेवरेट है। वो कौन है सबसे पहले वही बताइए आप। मेरी फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल जी है एंड मेरी आइडल भी है वो। सो बेसिकली और लता मंगेशकर जी भी साथ साथ, दोनों बहुत ही मेरे फेवरेट्स है एंड उनके गाने ही सुनती हूँ मैं और उनके गाने ही गाती हूँ। तो हम बाकी की बातचीत बाद में करेंगे, पहले मैं चाहूंगा कि यार श्रेया जी का कुछ अच्छा सा हो जाए। श्रेया जी या लता जी चलेगा? तो लता जी का गाया हुआ नाम गुम जाएगा। अच्छा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रही। क्या बात है, तालियां। थैंक यू। अपने लिए भी बजाया करो। अच्छा श्रेयसी, अभी जस्ट अभी हम जब आप गा रहे थे मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक की, आपका नाम श्रेयसी दे। हाँ जी। और आपके फेवरेट सिंगर हैं श्रेया जी। श्रेया जी उन्हीं को जैसे रखा है, सच बताना। मतलब मुझे तो नहीं पता उनकी, बट हो सकता है मेबी पॉसिबल। कभी किसी ने बोला नहीं? हाँ, तो बेसिकली मैं परफॉर्म करती थी जहाँ मैं फंक्शंस एंड ऑल में जहाँ पर परफॉर्म करती थी, सो एवरीवन वाज लाइक, मैं स्टेज पे जाती तो एवरीवन वाज लाइक कि हमारे यहाँ की श्रेया घोषाल है एंड एवरीवन मतलब कंपेयर करते थे कि यार कहाँ की, मतलब हमारे यहाँ की, मतलब मैं द्वारका में रहती हूँ तो मैं वहाँ पे बहुत शोज करती थी, फंक्शन इवेंट, तो वहाँ पे मेरे जो जानते हैं मेरे को बहुत सारे से करे, तो वो बोलते थे कि या मैं हमारे यहाँ की श्रेया घोषाल है। क्या द्वारका की श्रेया घोषाल हमारे साथ जुड़ी है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ कि आप बेसिकली मतलब कितनी भाषाओं में गाना गा लेते हो? मैं हिंदी, बंगाली, मैंने संस्कृत में भी गाया है। अरे वाह, मैंने कॉम्पिटिशन में संस्कृत का मतलब श्लोक सुने थे, गाने भी होते हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं जीती भी हूँ संस्कृत में गोल्ड, और मैंने इंग्लिश में ग्रुप में गाया है, उसमें भी मैं जीती हूँ गोल्ड इंग्लिश गाने में ग्रुप में, और इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, संस्कृत। हाँ, और भी सीख। मैं मतलब जितना टैलेंटेड सोच रहा था उससे कई गुना ज्यादा लड़की निकली, मुझे लग रहा थोड़ी कुर्सी मुझे और नीचे कर लेनी चाहिए। अच्छा श्रेयसी, आपने इतनी भाषाओं में गाना गाया है, क्या फर्क नजर आता है गायकी में? भाषा का कोई रोल होता है? बिल्कुल नहीं, गायकी आई थिंक आई बिलीव कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, एंड म्यूजिक किसी भी, अगर व्हेनेवर मैं कोई ऐसे गाने भी सुनती हूँ जो मेरी लैंग्वेज में नहीं है बट सोलफुल होते, तो इट्स लाइक म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, इट्स लाइक इफ इट इज ब्यूटीफुल टू यूर्स इट्स ब्यूटीफुल। क्या बात है, बस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, तो अभी मैं चाहूंगा कि मतलब अगर कुछ बंगाली में हो जाए कुछ थोड़ा सा। या शा शा शा, बंगाली में एक गाना है, टैलेंट है तो दिखाओ लोगों को। देखे चौकी ताकि इट्स अ सॉन्ग। हां, देखे चौकी ताकि ओई नीनू धीरे धारे, बृष्टि पाए पाए तारे की जनो की ना, जले भेजा माठे आकाश हाथ बाड़ा, मेघे रणाले भेषे आकाशे राम धनु के, चाय देखे चौकी ताके ओई नीनू धीरे धारे।